हेलो एवरीवन, आज मैं यहाँ पर रोटी से बना हुआ एक बहुत ही शानदार सा नाश्ता आपके सामने लेकर आई हूँ। आप इसे अपने डिनर या लंच में भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपको रोटी खाने का मन नहीं है तो उसके साथ हम आज करेंगे कुछ इनोवेशन और बनाएंगे एक टेस्टी सा नाश्ता जो कि बच्चों का या बड़ों को भी पसंद आने वाला है। और ये बनाने में भी बहुत आसान है, खाने में रियली ये बहुत टेस्टी लगता है। इसके लिए हमें करना क्या है, हमें नॉर्मल घर में जो रोटियां बनी है उसे लेना है। उसमें स्प्रेड करेंगे हम मेयोनीज़, टोमेटो सॉस और चिली सॉस। अगर आपके यहाँ हरी चटनी अवेलेबल है, क्योंकि हम इसे इंस्टेंटली बना रहे हैं, तो आप उसे स्प्रेड कर दीजिए। अब मेयोनीज़ खाना नहीं पसंद करते हैं तो स्किप कर दीजिए। उसके बाद मैंने नॉर्मल इसमें आलू का चोखा बनाकर स्प्रेड किया है। इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना लें, जैसा भी आपको सैंडविच के लिए बनाते हैं उस तरह का। फिर हम यहाँ पर लगाएंगे कुछ वेजीज़ जो आपको पसंद है आप वो लगाइए। समर में मैंने यहाँ पर क्यूकम्बर, कैप्सिकम, टोमेटो और अनियन को लगाया है। ऊपर से हम स्प्रेड करेंगे इसमें चाट मसाला। स्प्रिंकल करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि जो सैलड मैंने लगाया है उसका टेस्ट जो है वो अच्छा आ जाता है। फिर मैंने दूसरी रोटी से उसको कवर किया है। एक पैन में डालेंगे बटर और इसे हम कुक होने के लिए रख देंगे। 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। फिर उसे हल्के हाथों से, दोनों हाथों से पकड़ के हम टर्न करेंगे और फिर उसे हम 2 मिनट कवर होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम उसे कट करेंगे और छोटे पीसेस कट करके हम उसे रेडी कर लेंगे, जिससे कि ये खाने में भी बहुत आसान होंगे। लास्ट में हम इसमें चीज़ ग्रेट करेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट और भी रिच हो जाएगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बने हैं। एक बार आप भी इन्हें बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा और देखेंगे कि आपको ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं। इन्हें आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं और देखेंगे कि बच्चे टिफ़िन बिल्कुल खाली कर कर लाने वाले हैं। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। आई होप ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टू लाइक एंड शेयर। बाय बाय।